प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को और बहुत शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। अब मेरी भी आपसे बस अपेक्षा इतनी है कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पंक्तियां अगर आपके दिल को लग जाए तो कोताही मत बरतना तालियों में। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पांव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, वाह, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। मेरा ढंग हो। कमाल का साउंड है आपका, बहुत बढ़िया साउंड है आपका। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी सर एक बेवकूफ कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी सर, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाए कहते मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, सर बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। हम सौभाग्यशाली है कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि ये धरती जिसे भारत माता कहा गया है, आज तक आपने सुना दुनिया में चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलुलु अम्मा, दुनिया में केवल इस माटी को ही माता का दर्जा मिला है। और क्या होती है माँ? उस बेवकूफ को मालूम नहीं है, कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। सर बोलनी पड़ेगी। काका जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। नहीं, साउंड का खेल होता है ये। साउंड अगर बढ़िया हो जाए ना तो स्थिति अच्छी हो जाती है। आपने वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर देखी थी ना, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। हमारे गांव में गणेश उत्सव नवरात्रि में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि दो चार बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट गणेश उत्सव में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस परमान से क्या टक्कर है। दादाजी निपड़ गए। दादी माँ नवरात्रि में दादी निपड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी, वो कैसेट लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ गई, साउंड बढ़िया है आपका। साउंड का खेल होता है। बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। और चौथी? चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। वाह अच्छा वाह। और पांचवी बोली मेरा तो दिले देसी घी पाटीदार है। अच्छा भैया साउंड बढ़िया है आपका। नहीं, साउंड का खेल होता है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो फिर कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी सर। और क्यों बोलनी पड़ेगी? नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई,
बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी है, तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। मुझे तो देखकर लोग ये कहते हैं वो आ गया पुष्पा का हीरो। झुकेगा नहीं साला, अब झुकेगा इसे, झुकेगा साला साला झुकेगा नहीं तो झुकेगा। अच्छा मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है, पड़ोस की महिला ही मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद के लोट देता संवेद भरा लगे तो एक हाथ पे कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिला ही कहती रहती है तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। काय की सही बात है, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भाभी जी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 125 में ऐसा ही मिलता है। टेंशन मत लीजिए, आनंद लीजिए। अच्छा सुबह झगड़ा हो गया बिने दादा, सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में। हाँ। मैंने पत्नी से कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। हाँ। मैंने क्या हो गया फैसला, बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है, क्या होती है माँ, क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है। नहीं मैम आपसे बोल रहा हूँ, माँ क्या होती है, माँ माँ होती है। माँ महात्मा और परमात्मा, मेरी माता बहने यहाँ पर बैठी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या होती है माँ, माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या होती है माँ, बा बा माँ क्या होती है। माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता के चार पंक्तियां सुनना मेरे दोस्तों। माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को। क्या बात है, क्या बात है दिनेश भैया, वाह। अरे हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। बहुत बारीक बात कह दी मैंने हास्य के माध्यम से कि हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने मां बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे सर पढ़ लिख कर मॉडल हो जाते हैं, पढ़ लिख कर विदेश से आते हैं तो घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। ये विदेशी शिक्षा हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, ये विदेशों की नकल करते करते हम यहाँ तक फैशन के दौर में आ गए, कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए, थोड़े दिन बाद नाम छोटे हो जाएंगे। अभी तो दो अक्षर के नाम आ रहे हैं, रिंकू पिंकू टिंकू, थोड़े दिन बाद एक अक्षर के नाम आएंगे फैशन के दौर में। लड़के का नाम क्या है, पौ पौ, फैशन का दौर है। लड़के का नाम पी, पापा का नाम क्या है, फैशन का दौर है। एक लड़के का नाम रख दिया मालूम क्या, एक लड़के का नाम रख दिया, हंसो मत बोल के बताओ, उस लड़के का नाम मालूम क्या रखे हंसो भैया, उस लड़के का नाम रखा, अब उसका बर्थडे आ गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, केक रखा बीच में और सारे कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
सर वो केक खाने लायक नहीं बचा। अरे माइक गाने लायक नहीं बचा। अच्छा नहीं साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। आपने देखा होगा वो हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए तो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, इसको हाथ मत लगाना करंट मारता है। अब वो कथा प्रारंभ की, सज्जनों राजा परीक्षा सुखदेव मुनि से कहने लगे, हे राजन नैनन सृजते सस्तानी नैनन दहता पावक ओथर जात की। ये करंट मार रहा है लेकिन साउंड बढ़िया है आपका। बहुत अच्छा दिन भैया वाह। अरे हम उस देश के वासी हैं, जानदे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवर ने चारों धाम करवाया था, 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम। वाह। सुनना मेरे दोस्तों, ये दो पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती। बहुत शुक्रिया, वाह वाह।